आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। रिटायर आर्मी जवान के बेटा का अपहरण, 50 लाख रुपए फिरौती की मांग। पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए अपराधियों ने मानपुर प्रखंड अंतर्गत रसलपुर गांव के रिटायर आर्मी के जवान वाल्मीकि सिंह के 7 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिया। घटना बुधवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि मोहित कुमार नाम का लड़का जब अपने घर से कुछ दूरी पर दोस्त के साथ खेल रहा था, तभी दो व्यक्तियों ने बोलेरो से आकर बच्चे को उनके पिता का पता पूछने के बहाने गाड़ी में बिठा लिया। कई घंटों के बाद जब बच्चा घर वापस नहीं आया तो उसके दोस्त के द्वारा जानकारी दी गई कि एक गाड़ी पर बच्चे को बिठा लिया गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने स्थानीय मुफसिल थाना में अज्ञात अपहरणकर्ताओं के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है। वहीं गुरुवार को अपहरणकर्ताओं ने उनके पिता के मोबाइल पर कॉल कर 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। इस घटना के बाद पूरे परिवार के लोग सदमे में हैं। वे वरीय पुलिस अधीक्षक से बच्चे को सकुशल बरामद करने की मांग कर रहे हैं। अपहरित बालक के दादा सुरेंद्र सिंह भी रिटायर फौजी हैं। उन्होंने बताया कि कल शाम मेरा पोता घर से कुछ दूरी पर अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था, तभी उसके पिता के बारे में पूछ रहा था। पूछने के बहाने उसे अपराधियों ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उन्होंने बताया कि जब इसकी सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोगों ने काफी खोजबीन की, तब जाकर स्थानीय मुफस्सिल थाना में एक मामला दर्ज कराया है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और यह घटना किसने की है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। बहरहाल अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की डिमांड की है, साथ ही पुलिस को नहीं बताने का भी बात कही गई है। वहीं एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि रिटायर फौजी के पुत्र का अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जल्दी बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच की जा रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।